काम को करते थे, लेकिन जब से हमने बढ़ैल गांव के अंदर 230 स्ट्रीट एलईडी लाइट लगाई है, आज जितनी मेहनत मैंने की है उससे भी ज्यादा सबसे बड़ा योगदान आपका 2016 का भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का है। सभी मेरी माताओं बहनों का है तो ज्यादा ना कहते। जो ये सबसे बड़ी समस्या है अगर किसी ने दी है तो वो पवन कुमार बन सकते। देखिए आम आदमी पार्टी जो है और जो अब ये चंडीगढ़ में आए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ रहे हैं, इनका हाल आपने पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा था कि ये वोटों के लिए तरस गए थे और जो इनके कैंडिडेट थे उसको पता नहीं 10 से 12 हज़ार वोट पड़े थे लोकसभा चुनाव में 2019 में, और अब ये कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ इनका हमारे शहर में कोई बेस नहीं है और लोगों ने इनको बिल्कुल नकार दिया। अगर बात की जाए कोरोना काल की तो कोरोना काल में आपका कहना है कि आपने बहुत राशन बंटवाया है, लंगर लगाए हैं, लोगों की मदद की है, लेकिन आपके विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि जो आपने लंगर बंटवाए हैं वो ऐसा लंगर था कि लोग उसे ठीक से खा भी नहीं सकते। देखिए जो गरीबों को राशन देने का काम हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अलग अलग सिटीज के अंदर किया, गाँव के अंदर किया, सभी प्रदेशों में किया, लेकिन इन्होंने क्या किया अपने टाइम में कांग्रेस ने? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चिंता करी कि गरीब के पास रोजगार नहीं है तो उसको राशन देने का काम करे, और ये सब झूठ की बातें हैं कि राशन कार्ड लायक नहीं है। हमारे बुढ़ैल के अंदर 2200 लोग हैं जिन्होंने राशन लिया। कल भी कांग्रेस ने डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड में पहाड़ पे कूड़े पे धरना प्रदर्शन किया है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा बनाए गए पहाड़ हैं। देखिए अब मुझे बताइए जो डंपिंग ग्राउंड है किसकी देन है? आप सबको याद होगा पवन कुमार बंसल जब होटलों में बैठ के मीटिंग किया करते थे और इस डंपिंग ग्राउंड को अगर किसी हमारे गांव हमारे चंडीगढ़ को डंपिंग ग्राउंड की जो ये सबसे बड़ी समस्या है अगर किसी ने दी है तो वो पवन कुमार बंसल। कोई भी ऐसे 3 वायदे बताइए जो आप पूर्ण रूप से निभाएंगे? देखिए वैसे तो हमारा जो मैनिफेस्टो आएगा उसके अंदर हर चीज के बारे में होगा, लेकिन जो सबसे मेन अब 3 काम है उनमें एक काम बिजली का, दूसरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, और तीसरा काम होगा कि जो हमारे गांव का सौंदर्यीकरण है वो कैसे हुए, और गांव के जो अलग अलग मुद्दे हैं चाहे वो सीवर का है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, सड़क से रिलेटेड है, या लाइटों से रिलेटेड है, कुछ भी जो छोटे मोटे काम होंगे हम उनको ख़त्म करने का काम करें। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी के ऊपर निशाना साधा है, निशाना साधते हुए कहा है कि किसान आंदोलन में जो 700 के करीबन किसान शहीद हुए हैं उन पर बीजेपी ने अभी तक भी चुप्पी साधी हुई है। देखिए पहले तो मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों का जो भी विषय था उनकी मांगे थी उनको हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मान लिया है और आपको पता है किसान बिल वापस हो गए। दूसरी बात जो कॉरपोरेशन का चुनाव होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं बल्कि लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है, और जो लोकल मुद्दे मेरे एरिए में जैसे बुढ़ैल गांव में जो लोगों की समस्याएं थी जब मैंने पहले चुनाव लड़ा था मैंने उसको पूरा करने का काम किया है, और जो अब आगे हमारा मैनिफेस्टो होगा वो भी हम लोगों में देंगे, और बुढ़ैल की जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और चंडीगढ़ का हर एक निवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल से जुड़ा हुआ है, और 24 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर यहाँ से 35 की 35 सीटों पर हमें जिताने के चंडीगढ़ वाले लोग ये काम करें। अपने वार्ड वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? अपने वार्ड वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी लोग विकास के नाम पर वोट दें, हमने 5 साल विकास किया है और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमें वोट दें ताकि हम आने वाले समय में भी गाँव के लिए विकास कर सकें और आप सब लोगों की सेवा कर सकें। देखिए जैसे कि आपने सुना ही होगा कन्वर जी का कहना है कि वोट विकास को दे, कृषि प्रत्याशी को ना दें, इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि वो अनेक कार्य कराएंगे, जैसे पहले भी उन्होंने किया है, वो पूर्व में भी प्रत्याशी रह चुके हैं और लोगों का समर्थन भी उनको मिला है। ऐसे कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी पर। मैं अभी चौधरी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।